प्यारे बच्चों प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.1 व 3.2। 3.1 में बच्चों जो प्रश्न है उसमें हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, उसमें दी गई समस्याओं के लिए उनको बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो 3.2 पे आते हैं सीधे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से उनके हल ज्ञात करने हैं। तो पहले का पहला सवाल है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई, आप स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिएगा कि माना लड़कों की संख्या बराबर एक्स व लड़कियों की संख्या बराबर वाई। पहली स्थिति 10 विद्यार्थी है बच्चों, तो यही एक स्थिति है कि दोनों का योग 10 होगा। केस 1 में x धन y बराबर 10, और इसको अब हम लोग इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर दूसरा केस लेंगे, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो x धन y बराबर 10 बिल्कुल कल की तरह है, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 ऋण x। अब और x और y के कुछ मान लेंगे, यहाँ x लिख लेते हैं यहाँ y, मान लीजिए x की जगह आप ले लीजिए 5, तो y में भी आ जाएगा 5। अब मान ऐसे लेंगे बच्चों की ग्राफ में हमारे आ जाए, हमने 6 संख्याएं ली हैं इस प्रकार से, इसलिए मान ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने x में ले लिया 4, तो y में आ जाएगा बच्चों 6। अब अगर हम x में 6 ले लेंगे तो y में आ जाएगा 4। अब इनको हम अपने इस ग्राफ में निरूपित करते हैं, 5.5, तो 5.5 बच्चों कहाँ पे आएगा, 5.5 ये 5 के लिए सीधी लाइन जो खींचते हैं बाद इरेज कर देंगे, और इधर ये 5 के लिए सीधी लाइन, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 5.5। उसके बाद अगला पॉइंट है 4.6, तो 4.6 बच्चों कहाँ पे आएगा, ये 4 वाला पोर्शन ऊपर चला गया, ये 4 वाला पोर्शन आ गया ऊपर, और इधर ये 6, तो ये पॉइंट आ गया बच्चों 4.6। अब 6.4 अगला पॉइंट 6, ये पोर्शन गया बच्चों 6 के लिए लाइन गई सीधी है, और ये आई 4 की लाइन, तो ये आ गई 4 की लाइन, तो ये आ गया बच्चों पॉइंट 6.4। अब इनको सीधे सीधे मिला देते हैं, तो ये जो ग्राफ बना है हमारा ये है बच्चों पहले समीकरण का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, x धन y बराबर 10 का ग्राफ। अब दूसरे कंडीशन देते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, केस 2 कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो दूसरा केस लड़कियों की संख्या हमने वाई मानी थी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो वाई बराबर एक्स धन 4। तो अब ये खुद ही वाई के रूप में लिखा हुआ है, इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स में मान लीजिए हम ले लेंगे 1, तो वाई में आ जाएगा 5, एक्स में मान लीजिए आप ले लीजिए -1, तो वाई में आ जाएगा 3। अब एक्स में अगर आप -2 ले लेंगे तो वाई में आ जाएगा 2। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5, तो ये 1 वाली लाइन सीधे जा रही है, ये बिंदु आ गया 1.5 वाला, ठीक है, ये 1.5 का हो गया बिंदु, ऋण 1.3, तो बच्चों ऋण 1.3, ये ऋण 1 वाली लाइन सीधी चली गई ऊपर,
और ये है तीन की पंक्ति, तो ये बिंदु हो गया ऋण 1.3। उसके बाद ऋण 2.2, तो ये ऋण 2 की पंक्ति सीधी गई बच्चों आगे, और ये आई 2 वाली पंक्ति, तो ये बिंदु हो गया ऋण 2.2। अब इनको जरा ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, मिला लेते हैं इनको। जब ज्वाइन करेंगे ये सीधी लाइन से इसको ज्वाइन करते हैं, अब हम देख रहे हैं बच्चों कि ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात इनका केवल एक हल संभव है, और वो एक हल क्या होगा बच्चों, एक हल ये इस बिंदु के निर्देशांक। तो बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक ग्राफ पेपर की सहायता से भी आप निकाल सकते हैं और इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक बच्चों होंगे, पहला समीकरण था एक्स प्लस वाई बराबर 10, वाई का मान यहाँ रख देंगे तो एक्स धन 4 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x का मान तो 3 आ रहा है और y का मान आ जाएगा 7। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक ट्रिक से निकाल लिया है, अभी आगे आपको सिखाएंगे। ये बिंदु है 7, तो अब ये जो बिंदु है बच्चों इसके निर्देशांक आए हैं 3.7, तो ये लाइन सीधी 7 की यहाँ पे, तो इस बिंदु के निर्देशांक आए हैं 3.7, अर्थात यहाँ पर इन दोनों समीकरणों का हल हो गया 3.7 ग्राफी विधि से। तो हमने क्या करा, पहला प्रश्न हल हो गया हमारा, समीकरणों में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाए तथा उनको ग्राफी विधि से हल कर दिया। आइए तो चित्र हो गया इसका हल, आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे। इसका हल हो गया बच्चों, एक्स का मान हो गया 3 और वाई का मान हो गया 7, अर्थात लड़कों की संख्या है 3 और लड़कियों की संख्या है बच्चों 7। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रश्न 2 है, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती, ये ज्ञात करना है। तो हमने कल बच्चों इसके बारे में पढ़ा था, तो प्रतिच्छेदी, समांतर अथवा समपाती ज्ञात करने के लिए हमें गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बच्चों को A1/A2 निकालेंगे, A1/A2 कितना है 5, A2 कितना है 7। उसके बाद B1/B2 निकालेंगे, B1 y का गुणांक -4, B2 दूसरे समीकरण y का गुणांक 6, इसको हल कर देंगे तो ये ऋण 2/3 आ जाएगा। उसके बाद C1/C2 निकालेंगे बच्चों, अब C1/C2 आ गया 8/9। अब देखिए जरा बच्चों, अगर प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं तो उसके लिए हमने बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, फिर हम आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों से ये पता चल गया कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफोर युग्म प्रतिच्छेदी होगा। लिखेगा कि युग्म जो होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, अर्थात दोनों समीकरण से बनने वाली रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, यही इसका आंसर हो गया बच्चों। अब समय हो रहा है, तो अब बचे हुए सवाल अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।